गुड मॉर्निंग बच्चों, अगर आप दिन में देख रहे हैं तो आपको गुड आफ्टरनून, अगर आप शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। आज आपका प्रथम नगरों की कहानी के तीसरे पार्ट में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के संदर्भ में। आर्थिक का मतलब हुआ कि जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी आजीविका कमाते होंगे, अलग अलग तरीकों से जो है उनकी आजीविका आती थी, तो उसके संदर्भ में नंबर एक से शुरू करेंगे हम, और वो था कृषि। कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था, और जिस तरह मिस्र में नील नदी ने वरदान का कार्य किया, ठीक उसी प्रकार से सिंधु घाटी में सिंधु नदी ने जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उसके द्वारा लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी थी वो मैदानों में बिछ जाती थी, और इस कारण जो है वो उनकी जो खेती थी वो होती थी, जिसमें जौ और धान की जो फसल थी या गेहूं की फसल थी उनका जो है उत्पादन वो करते थे। इसके अलावा खजूर, तरबूज या मटर भी जो है वो उगाते थे, और तिल और सरसों के भी जो है वो अवशेष मिले हैं। तो इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जो है 8 प्रकार के बीजों की जो है वो बुआई हुआ करती थी, उनको बीजा जाता था। इसमें एक शामिल और आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कपास, क्योंकि ये जो सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ से व्यापार होता था, और कपास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, जो किसी भी दूसरी सभ्यता में कपास के साक्ष्य नहीं मिलते थे, वो विश्व भर में प्रसिद्ध है कपास की खेती के लिए। तो कृषि जो है सबसे इंपॉर्टेंट था उनके आय के साधन के तौर पर। दूसरा जो व्यवसाय आता है वो आता है पशुपालन। इसमें जैसे जैसे उन्होंने कृषि करना सीखा, कृषि के लिए उनके लिए जो सहायक पशु थे उनको उन्होंने पालना शुरू किया, जिसमें बैल, भैंस, बकरी और सुअर। बकरी या सुअर आदि इसलिए पाले गए क्योंकि वो मांस भी खाते थे, इस प्रकार से अपनी आवश्यकता के लिए ही जानवरों को जो है पाला जाने लगा। यहाँ पर सिरकोटड़ा में जो है मानते हैं कुछ विद्वान की घोड़े के अवशेष मिले थे, लेकिन संभवतः इसको जो है दूसरे विद्वानों ने इनकार कर दिया मानने से, और इस प्रकार से ये माना जाता है कि सिंधुवासियों को घोड़े की ज्ञान नहीं था। इसके अलावा जो है बिल्ली और कुत्ते के अवशेष या उनके पाँव के चिन्ह वहां पर जो मिले, इस कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि वे इन दो जानवरों को भी पालते थे, तो ये भी उनका जो है आय का दूसरा साधन था। तीसरा है उद्योग। वहां पर अलग अलग तरह के कई व्यवसाय लोगों के थे, और इससे संबंधित लघु उद्योग जो स्थापित थे, जिसमें पत्थर, तांबे और कांसे से अनेक वस्तुएं बनाई जाती थी। राजस्थान और बलूचिस्तान से जो है आयात किया जाता था तांबा, और शिल्पकार जो है मूर्तियां बनाते थे, बर्तन बनाते थे, औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, और इस प्रकार से इनका आयात किया जाता था, उद्योग स्थापित थे। सूती कपड़ों के बनाने का भी जो है प्रमाण मिले, क्योंकि जो है सूत को काता जाता था और कपास यहाँ पर उगाई जाती थी, इसके प्रमाण मिले हैं। तो इसके अलावा अगर कपड़ा बनता होगा तो उसकी छपाई भी होती होगी और कताई भी होती होगी, तो इस प्रकार के उद्योग स्थापित थे। और गहने बनाना या चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, आपने साइड में जो मैंने पिक्चर्स लगाई, बहुत ही सुंदर खूबसूरत जो है वो पॉटरी तैयार की जाती है, जिसके ऊपर पॉलिश किया जाता था। तो इस प्रकार से ये भी आय के जो साधन हुआ करते थे, उद्योग तीसरा व्यवसाय। चौथा जो व्यवसाय था वो था व्यापार और वाणिज्य। व्यापार में आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों ही तरह का होता था। अगर आंतरिक व्यापार की बात करें तो उसमें नाम आता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, रोपड़, सुरकोटड़ा, आलमगीरपुर। यहाँ पर जो है ये मुख्य केंद्र थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान को माल जो है बैलगाड़ियों के द्वारा या पशुओं के ऊपर लाद कर जो है ले जाया जाता था। सिंधु सभ्यता की जो विभिन्न बस्तियां थी उनमें इन सब के अवशेष जो मिलते हैं। इसके अलावा और भी माप तोल की बहुत सारी चीजें जो है वो इस बात का सूचक है कि वहां पर व्यापार किया जाता था, क्योंकि कोई चीज अगर आपने बेचनी है या लेनी है तो उसको मापने की कोई इकाई होनी चाहिए थी। इससे अनुमान लगा दिया जाता है कि व्यापार और वाणिज्य उस समय हुआ करते था। इसके अलावा ये कह रहा है कि तांबे का आयात जो मुख्यतः उस समय जो है राजपूताना से किया जाता है, क्योंकि अगर आप राजपूताना में जहाँ पर इस सभ्यता के केंद्र मिले हैं वहाँ पर अगर आप जाएं तो वहाँ पर तांबा किस प्रकार से इस धातु का जो है वो निर्मित होती थी उसके साक्ष्य मिले हैं। सीप और शंख और कौड़ी इत्यादि जो है काठियावाड़ के समुद्र तट से जो प्राप्त की जाती होंगी, ये पढ़ा हमने व्यापार और वाणिज्य के आंतरिक। इसके अलावा जो है जो व्यापार था आंतरिक व्यापार के साथ साथ जो विदेशी व्यापार था वो भी बहुत जो है उस समय हुआ करता था, और इसके साक्ष्य जो है वो मिलते हैं लोथल बंदरगाह से।
एक पिक्चर भी मैंने नीचे डाली है, आप देख सकते हैं। ये हालांकि पिक्चर जो है इमेजिनरी है, बनाया गया है, लेकिन हम इससे जान सकते हैं कि देखिए नदियों से जो है किस प्रकार से एक रास्ता बनाया जाता था, और एक बहुत वर्गाकार नहीं आयताकार में जो है एक बंदरगाह स्थापित है जहां मैंने रेड किया है, और यहाँ पे जो जहाज उनके खड़ा होते थे। आज भी जो है हिंदुस्तान की, भारत की बात करें, जो अधिकतर जो व्यापार है वो जल मार्ग के द्वारा ही होता है बड़े पैमाने पर, तो उस समय भी जो है बड़े पैमाने पर व्यापार होता होगा। ये बंदरगाह बताती है लोथल की बंदरगाह, आप हमेशा याद रखना लोथल गुजरात में। तो इस तरह से व्यापार और वाणिज्य उनका जो है वो चौथा आय का साधन था। इसके अलावा जब हम बात करते हैं नापतोल और माप के साधन, ये साधन भी थे उस समय जो है, ये इनकी बात करना बहुत जरूरी है। बाट के बारे में बात करें तो उस समय देखिए ये बाट जो है हर जगह एक ही समान मिले हैं, ये बड़ी बात है, इसलिए जो है पूरे ही जहां पर इस व्यवस्था के चिन्ह प्राप्त हुए इसलिए इस सभ्यता को एक ही नाम दिया गया, क्योंकि ये किसी एक ही नियम के तहत इस व्यवस्था जो है वो स्थापित थी, चलती थी। तो इसमें जो नाप तोल में बाट जो उपयोग किए जाते थे तोलने के लिए, उनका अनुपात था 1:2:8, 4:8, 16:32, 1, 2, 4, 8, 16 और 32, इस अनुपात में बाट जो है बनाए गए थे इस भार के, और इसमें 16 इकाई का जो बाट था वो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा मापने के लिए जो है भी उस समय व्यवस्था थी, खुदाई में जो है कांसे की एक मापट्टी मिली है जिस पर जो है वो चिन्ह अंकित है, तो उससे अनुमान लगाया जाता था कि भूमि को मापना हो, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं मापनी हो तो उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है कि अगर आप उनकी इमारतों को देखें, चाहे अगर मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो वहाँ पर क्रिएशन थी वो था स्नानागार, उसे देखें तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है, तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई ना कोई पैमाना था जिसके वजह से ये बिल्कुल स्टिक एक सही जो है वो चीज़ों को स्थापित करते हैं, बनाते थे। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे। इसके अलावा जो है उनके आय का जो साधन एक और भी था वो था यातायात के साधन। व्यापार जो है यातायात के द्वारा होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, और ये दो तरह से, रास्तों के द्वारा और समुद्री रास्ते के द्वारा या नदियों के द्वारा। तो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो मोहनजोदड़ो के लोग जो है वो या हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे, और यहाँ से भी उनकी जो है वो आय जो है इनकम जो है वो होती थी। यहाँ पर हम जो है ये जो पैराग्राफ है ये राजनीतिक व्यवस्था के बारे में है, क्योंकि यहाँ राजनीति के बारे में भी जो पूछा जा सकता है एक दो नंबर के बारे में, कि क्या लगता है आपको कि राजनीतिक संगठन वहां पर था, राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं किन चीजों से, अगर सुनियोजित नगर योजना, सफाई का उचित प्रबंध, या बस्तियों में निर्माण के व्यापक एक रूपता, हर नगर में एक रूपता पाई गई है, एक तरह से नगर स्थापित किए गए थे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक व्यवस्था के अंतर्गत वो सारी चीजें स्थापित हुई, उनके ऊपर कोई ना कोई दबाव था, उनके ऊपर कोई ना कोई एक शासन व्यवस्था थी, तभी वो चीज कर पाए। तो ये भी अनुमान जो है सही लगते हैं कि इसके अनुसार जो है वो कोई ना कोई राजनीतिक संगठन अवश्य होगा। राजा नहीं थे, इसके साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन ये माना जाता है। एक जैसी माप तोल की चीजें मिलना, कि जहां पर किसी भी नगर में अगर एक जो अनुपात के जो 32 अनुपात का, तो दूसरी जगह उसी तरह का 32 का ही मिला है, ना कि 31 का मिला है, तो इसका मतलब जो इकाइयां जो बनती थी, जो मापने या तोलने की जो चीजें बनती थी, वो किसी सरकार के संगठन में ही बनती होंगी जहां पर एक ही चीज है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, भारतवर्ष में रुपए आपको 100 रुपए का नोट हो, 500 का हो, 1000 का हो या 2000 का, एक जगह एक समान मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसे एक राजनीतिक संगठन के तौर पर या एक व्यवस्था के तहत जो है छपाया जाता है, किसी एक संगठन को उसका जो है अधिकार है। तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये व्यवस्था भी जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन उसमें था। क्या था इसके संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है उस समय जो शक्तिशाली लोग थे या जिनका जो है वर्चस्व था, वो पुरोहित वर्ग था या व्यापारी वर्ग था, तो हो सकता वो शासन भी किया करते होंगे, तो ये का अनुमान के तहत ये लगाया जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे अब जो है हड़प्पा संस्कृति की लिपि के बारे में। लिपि हुआ कि वो भाषा जिसका व्याकरण होता है, तरीका होता है लिखने का, जैसे हमारा हिंदी भाषा का अपना व्याकरण है, कहाँ मात्रा होगी, कैसे जो उसको, तो आरंभ जो लिखा जाता है
या सीखी जाती है कोई भाषा, वो उसकी लिपि से लिखा जाता है। अब ये लिपि आप देख रहे होंगे नीचे जो है मैंने दिया है बॉक्स में, इसमें अधिकतर जो चित्र ऐसा लगेगा जैसे पशु पक्षियों के चित्र हैं या किसी चीज़ों के बनाए गए हैं, तो इस प्रकार के जो चित्रमय लिपि जो है वो हमारी हड़प्पा सभ्यता की हुआ करती थी। इसके बारे में आता है कि ये जो लिपि है खुदाई में मिली मोहरों पर जो है लिखावट इस प्रकार का स्पष्ट प्रमाण देती है कि लेखन शैली या लिपि उस समय हुआ करती थी। कहते हैं कि 1923 ईस्वी में इस लिपि को पूरी तरह से जो जानकारी मिल गई थी, और लेकिन सारे प्रयत्नों के बावजूद आज तक इस लिपि को जो है पढ़ा नहीं जा सका, ये हमारी विफलता है। और कहते हैं इस लिपि के बारे में लगभग 400 चिन्ह जो है वो प्राप्त हुए, जैसे हमने पीछे देखा कि जो चिन्ह थे वो लगभग उनकी जो संख्या है वो है 400। और इनको लिखने का तरीका ये माना जाता है कि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, और दूसरी पंक्ति में ये बाएं से दाएं की तरफ, मतलब कंटिन्यूटी में इसको लिखा जाता था, लगातार इसको लिखा जाता था और ये टूटता नहीं था। तो इस प्रकार से इसको लिखने का तरीका था। तो ये माना जाता है कि अगर इस लिपि को पढ़ने में विद्वानों को सफलता मिल जाती है तो निस्संदेह हम जो है हड़प्पा संस्कृति के बारे में सही सही ज्ञान हमें मिल जाएगा, और वो बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय हमारी रहेगी। अब पढ़ते हैं हम जो है नगरों के बारे में कि जो नगर स्थापित थे वो उनकी जो नगर योजना का भी जो है कई बार क्वेश्चन आता है तो जानना जरूरी है नगर योजना क्या थी। नगर योजना में बहुत सारी चीज़ें वो शामिल होती हैं, वो जैसे प्रकार से घरों का निर्माण करना, उस समय आप देख रहे होंगे चित्र में भी जो ये मोहनजोदड़ो का नगर है यहाँ पर जो है घर जो स्थापित किए गए हैं वो पद्धति तरीके से स्थापित किए गए हैं, सड़कें भी हैं, नालियाँ भी हैं, घरों के अंदर कुएँ भी है, नालियों का जो गंदा पानी उसके निकालने की व्यवस्था, हर एक प्रकार से एक नियोजित पद्धति के अनुसार जो है वो ये नगर जो है स्थापित था। एक या दो मंजिल के जो है वो मकान होते थे, देखिए ऐसा नहीं केवल एक मंजिल, दो मंजिल के भी होते थे मकान जो है, और उन मकानों को जो अधिकतर दरवाजे होते थे वो अंदर आंगन की तरफ खुलते थे, जिस प्रकार से हमारे जो है अगर आप पुराने मकान देखें तो चौकियां बनाई होती थी उसमें सिर्फ एक मेन दरवाजा होता था जो गली की तरफ होता था उसका दरवाजा, और बाकी जो है वो अंदर की तरफ होते थे, और बाहर की तरफ केवल रोशनदान होते थे, रोशनी आने के लिए खिड़कियां नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेसी रखने के लिए स्त्रियों को उनकी प्राइवेसी के लिए जो उनको चीज़ को किया जाता था। तो ये व्यवस्था उस समय हमारे हड़प्पा सभ्यता के हर एक नगर में जो स्थापित थी, तो घर इस तरह से स्थापित होते थे। इसके अलावा जो है वहाँ की जो सड़कें थी, चित्र में देखेंगे आप हर एक जगह जो अगर आप फुटा रखें माँ तो सीधा तौर पर जो है वो समकोण के ऊपर आता है, कहीं भी देखिए आप समकोण बन रहा है। तो ये देखिए ये व्यवस्था आज की भी बहुत सारे गांव तो छोड़ दीजिए, गांव में कोई व्यवस्था नहीं, हर तरह से जो है वो ना कोई नालियाँ हैं ना कोई ढंग की सड़कें हैं, आज भी ये व्यवस्था हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 5-6 हज़ार वर्ष पूर्व की बात करें, 5 हज़ार या 7 हज़ार के वर्ष की पूर्व बात कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 5 हज़ार वर्ष पूर्व जो है लोग इस तरह के थे, इस तरह के नगर उन्होंने स्थापित किए थे जो आज भी हम स्थापित नहीं कर पाए हैं। चंडीगढ़ इसका जो है वो सही एग्जांपल है। चंडीगढ़ अगर आप जाएं तो वहाँ पर सारी की सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटती हैं और काफ़ी चौड़ी हैं ताकि जो है एक दूसरी जो गाड़ियाँ हैं वो आसानी से निकल जाएँ और कोई भी अटके ना। तो उसी प्रकार से सड़कें भी जो स्थापित थी ये नगर योजना में आता है। इसके अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो जल निकासी व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी थी, छोटी नालियों से बड़ी नालियों में जाती थी, बड़े से बड़ी नालियों में, इस प्रकार से पानी जो है गंदे नाले में जो है वो जाकर चला जाता था और इस प्रकार से पूरा नगर जो है साफ रहता था, इसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। साथ ही जल निकासी, मैंने एक पिक्चर भी डाली है देखिए जल निकासी के लिए, ये उनके द्वारा स्थापित निकासी की प्रक्रिया है कि अगर कुएं से पानी आता होगा वो भी नालियों के द्वारा आएगा, या हम जो है मोहनजोदड़ो के स्नानागार की बात करते हैं तो कुआं जो ऊंची जगह के ऊपर था वहां से पानी जो है निकाला जाता था और नालियों के द्वारा वो जो स्नानागार बनाया गया था वहां पहुंचता था, फिर गंदे पानी से निकालने की जो व्यवस्था थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो उस समय जो है वो स्थापित थी, उच्च तरीके की निकासी प्रणाली उसमें स्थापित थी। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे
हड़प्पा संस्कृति की देन क्या है, उन्होंने हमें क्या क्या नॉलेज दिया, क्या क्या ज्ञान जो है दिया है। और ये केवल मैं जो है एक पिक्चर के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। पहला जो उनकी देन है वो है नगरवध योजना। ये पिक्चर काफी समय से घूम रही है और ये दिमाग में बिठा दो पूरी तरह से। पिक्चर में देख रहे हो नगर जो थे वो योजना के तहत जो वो बने हुए थे, तो ये उन्होंने सिखाया कि नगर स्थापित हो तो इस तरह से स्थापित हो, तब वो प्रगतिशील नगर होंगे, तब वो अच्छे नगर होंगे लोगों के लिए भी, और आने वाले समय में वहाँ विकास का सूचक होगा वो। ये वैसे ही है, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सड़क के किनारे कोई अपनी दुकान बनाता है और उसका बनाना वो शुरू करता है अपनी दुकान को सड़क के बिल्कुल साथों साथ, जगह भी नहीं छोड़ता है, और वो कल दिन सोचे कि मुझे एक बहुत बड़ा व्यवसाय बनाना है, तो आगे गाड़ी खड़ने के लिए भी जगह नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने जो है अपने साधन जो है खत्म कर दिए। तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने जो भी घर बनाए हो, स्नानागार बनाया हो, उसको नियोजित पद्धति से बनाया। तो ये नियोजन चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। ये पहली देन जो है सिखाई उन्होंने योजना से नगर बनाना। दूसरा जो है सड़कों और नालियों का उचित प्रबंध। बात हम कर चुके हैं कि बहुत सही तरीके थे, सड़कें भी समकोण के ऊपर काटती थी, नालियां जो है वो छोटी से छोटी नालियां जो है वो गली की नालियों में मिलती थी, और ये नालियां जो पक्की ईंटों की बनी थी उनका ढका जाता था, फिर यही गंदा पानी जो है थोड़ा सा आगे जाके बड़ी नालियों में चले जाता था, और इससे बड़ी नालियों में और अंत में नालों में ये चला जाता था। ये व्यवस्था जो है ये भी कहाँ से सीखी हमने, हड़प्पा सभ्यता के लोगों से। तीसरा जो है जो सीखा हमने वो था कपास की खेती, जिसके लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थे। तो आज भी कपास के लिए भारत जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो ये खेती करना भी हमने हड़प्पा वासियों से सीखा। चौथा जो हमने सीखा वो था व्यापार के लिए बैलगाड़ी और नावों का इस्तेमाल। बैलगाड़ी और नावों का इस्तेमाल जो मैंने पिक्चर्स में आपको दर्शाया है। नाव क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि बंदरगाहें थी और हम व्यापार जो है विदेशों के साथ करते थे। ईरान के साथ हमारा व्यापार होता है, सुमेरिया के साथ हमारा व्यापार होता है, अफगानिस्तान के साथ हमारा व्यापार होता है बैलगाड़ी के द्वारा। तो ऐसे जो है ये भी हमने कहाँ सीखा, हड़प्पा वासियों से सीखा। इसके अलावा जो है पांचवा जो चीज हमने सीखी वो था तोलने के लिए बाटों का प्रयोग, जिसकी बात हम कर चुके हैं कि वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार के जो अनुपात में जो बने गए थे और हर जगह एक समान तोल में जो बने हुए थे। तो ये जो पद्धति थी, आज भी बाट आप कहीं भी चले जाइए, भारत के किसी भी कोने में चले जाइए आप, जो तोलने के जो बाट हैं उनकी इकाई बिल्कुल एक समान है। 1 किलो का बाट का जितना भार होना चाहिए वो दक्षिण भारत में भी उतना होगा और उत्तरी भारत में भी उतना ही होगा, क्योंकि वो एक व्यवस्था के तहत जो है बनाए गए हैं। तो ये भी कहाँ से सीखा, हड़प्पा वासियों से सीखा। और सोचिए आज से 5,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हम। इसके अलावा पूजा का जो है कि पूजा मातृ देवी की पूजा करना हो, शिव की पूजा हो या प्रकृति की पूजा, ये आज भी विद्यमान है, आज भी इन चीजों की पूजा जब वो करते हैं हम, तो ये चीज भी हमने उनसे ही सीखी। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें जो है छूट जाती हैं, जिस प्रकार से ग्रह और नक्षत्रों का ज्ञान, स्त्रियों के श्रृंगार हो जाए, या धार्मिक अवसरों पर नदियों या सरोवरों में जाकर जो है वो स्नान करना, जैसे कि मोहनजोदड़ो में जो सरोवर बना हुआ था। तो ये सारी बातें हमने जो है वो हड़प्पा वासियों से सीखी। अब पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता का पतन। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी सभ्यता जो इतनी विकसित सभ्यता थी, जिसकी आज जब हम पढ़ते हैं तो हम जो हैरान रह जाते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे लोग थे वो ऐसी सभ्यता थी, एक नगरीय व्यवस्था थी, और फिर उससे बाद वो व्यवस्था खत्म हो जाती है और फिर से गांव से ही हम शुरू करते हैं। तो ये जो व्यवस्था का खत्म हो जाना, पतन हो जाना, इसके बारे में इस बात के ठोस प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है कि सिंधु घाटी का जो वैभवशाली सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, लेकिन खुदाई के दौरान मिले तथ्यों के विद्वानों ने जो है विनाश के कुछ कारणों का अनुमान लगाया है और वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहला है बाह्य आक्रमण। कुछ विद्वानों का जो विचार है कि जो बाहरी आक्रमणकारी थे वो बर्बर जातियां थी और सिंधु घाटी में शांति प्रिय लोगों को जो है युद्ध में पराजय मिली और भयंकर विनाश उन्होंने किया, और इस कारण जो है वो ये इस सभ्यता का पतन हुआ। यहाँ जो है
मोहनजोदड़ो में खुदाई में प्राप्त बहुसंख्या में मानव अस्थि पिंजर जो है मिले हैं और अव्यवस्थित तरीके से मिले हैं, और इस कारण लगाया जा सकता है अनुमान कि आर्यों के द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण किया होगा और इस प्रकार से इस सभ्यता का जो पतन हुआ होगा। दूसरा जो है वो कारण बताया गया है वो है इस सभ्यता के पतन होने का प्राकृतिक प्रकोप। कुछ विद्वानों का विचार है कि भयंकर वर्षा, महामारी अथवा लंबे समय तक जो है जल का अभाव होने से अकाल पड़ा होगा या भूकंप के कारण भी हुआ होगा। जो जितने भी प्राकृतिक जो प्रकोप है वो उसमें शामिल किए गए हैं कि कहीं ना कहीं इनके कारण भी जो है वो इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। तीसरा आता है भौगोलिक परिवर्तन से। कुछ विद्वानों का मत है कि जो सिंधु नदी के अचानक मार्ग बदलने से और भारी बाढ़ आने से या क्षेत्र की जलवायु में आए जो अचानक परिवर्तन के कारण जो है वो सिंधु घाटी का जो है वो विनाश हुआ होगा, सभ्यता का विनाश हुआ होगा, और खुदाई के दौरान मिली रेत की मोटी परत से इस तरह के अनुमान जो है वो लगाए जाते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार से कोई एक अकेला ऐसा कारण नहीं बनता है। देखिए नगर जो है अलग अलग जगह के ऊपर इसके नगर स्थापित हैं और इस प्रकार की जो प्राकृतिक प्रकोप है वो हर जगह एक समय में नहीं पहुंच सके। इससे संपूर्ण सभ्यता के विनाश का पता लगा नहीं जा सकता है। फिर भी तर्कसंगत लगता है कि पहले तो यहाँ बाढ़ का प्रकोप आया होगा, फिर उससे भारी जो है जनधन की हानि हुई होगी, अंततः जो मृतकों के शव पड़े होंगे उनके कारण महामारी फैली होगी और खाद्य सामग्री का अभाव हुआ होगा, इससे क्या हो अधिकांश लोग जो मर गए होंगे और लोग जो है जो बच गए वो सुदूर चले गए, छोड़कर चले गए, और इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ होगा। और इसका एग्जांपल अगर हमें छोटे तौर पर देना चाहूँ तो आज अगर हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, वायरस एक छोटे से वायरस ने जो है पूरी दुनिया को, बड़े से बड़े शक्तिशाली देश को जो है वो नंगा कर दिया है, तो आप सोच सकते हैं कि उस समय जब हमारे पास चिकित्सा का कोई अच्छा साधन नहीं था तो उस समय अगर कोई महामारी आई होगी तो हो सकता है विनाश हुआ होगा। तो आज हम इस बात को समझ सकते हैं कि कोई कारण तो रहा होगा उनके बीमारी का, तो बीमारी का नहीं पतन का। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा वो काफ़ी है और हमारा समाप्त होता है अध्याय पूरी तरह से। तो आपको मैं तो सिर्फ अनुमान लगा सकता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए और भगवान आपका साथ हमेशा बनाए रखे। इसी के साथ धन्यवाद सभी का।